Good morning, dear students. Welcome in awesome online classes. Now we study about the synthetic fibers and plastics. All natural fibers are used for making fabrics. सभी natural जो fibers हैं वो fabrics बनाने के लिए use किए जाते हैं which are further used for making clothes. फिर जो fabrics बने उनके फिर further क्लोथ कपड़े बनाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है. नेक्स्ट टू फूड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड फॉर ह्यूमन बींग्स इज क्लोथिंग. जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आवश्यकता है ह्यूमन बींग के लिए वो है क्लोथिंग. इट इज़ नॉट ओनली दैट क्लोथ्स आर ए पार्ट ऑफ आवर मॉरल कोड एंड डिसेंसी, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड क्लाइमेट. ये केवल हमारे लिए कपड़े केवल हमारे मॉरल कोड का पार्ट नहीं है बल्कि हमें डिसेंसी बताता है कि हम कितने डिसेंट हैं, और ऑल्सो हमें प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है और क्लाइमेट अलग अलग होता है. चेंज क्लाइमेट जो चेंज होता है उसमें हमारी सुरक्षा करता है. फर्दर मोर दीज फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग रोप्स, और ये फाइबर्स रोप रस्सी बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. बेडशीट बनाने के लिए, सोफ़ा कवर, फिशिंग नेट्स, कारपेट्स, सेल्स फॉर बोट्स एंड वेराइटी ऑफ अदर आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज. बहुत सारी चीज़ें इनसे बनाई जाती है. हाउएवर द डिमांड फॉर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स इज सो लार्ज. जो डिमांड है फैब्रिक्स और फाइबर्स की वो बहुत ज़्यादा है. दैट नेचुरल फाइबर्स आर इनसफिशियंट टू फुलफिल इट. क्यों? क्योंकि जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो इसको पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर सकते जितनी हमें आवश्यकता है, तो इनसफिशियंट हैं. टू मीट दिस डिमांड साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड आर्टिफिशियल फाइबर्स. इसीलिए इस डिमांड को पूरा करने के लिए साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल फाइबर को डेवलप किया. यूजिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड कोल एज रॉ मटेरियल्स. जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उनसे और कोल को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करके दीज आर्टिफिशियल फाइबर्स आर कॉमनली कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर. जो आर्टिफिशियल फाइबर्स हम कॉमनली यूज़ करते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स कहा जाता है. Now, what are synthetic fibers? Synthetic fibers क्या हैं? Before we answer the question, let us consider simple example. कुछ example लेंगे हम. Paper clips and beads joined to form long chain. तो हमने ये paper की clip से chain बनाई है और ये clip से बनाई है जो join करके हमने बनाया है. Try to recall the uniform pattern found in a necklace or beads. Joined with the help of a thread. तो हमें कोशिश करना है रिकॉल करने की, वापस जो हमने किया था कि यूनिफॉर्म पैटर्न जो नेकलेस में पाया जाता है जब उसको एक एक दाने को जोड़ा जाता है बीड ज्वाइन विद द धागे के साथ. और ट्राई टू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स. ये पेपर क्लिप्स हमने ज्वाइन किए हैं और ये चेन का एक ज्वाइन किया है जो हमने नेकलेस की तरह. टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन. तो लॉन्ग चेन बनाने के लिए फिगर में दिखाया गया है 3.1 में. इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू. इन दोनों में क्या कोई सिमिलरिटी हमें दिखाई देती है? इन बोथ द केसेस दे फॉर्म ए लॉन्ग चेन. इन दोनों केसेस में एक लंबी चेन बनी हुई है. स्टार्टिंग फ्रॉम सिंगल थिंग्स, स्टार्ट हो रहा है एक चीज से, सच एज ए बीड और ए पेपर क्लिप, या तो बीड या पेपर क्लिप से. केमिस्ट बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंट हैव फाउंड आउट दैट नेचुरल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स. केमिस्ट केयरफुली एक्सपेरिमेंट करते हैं और नेचुरल फाइबर पाया गया कि वो सिंपल मॉलिक्यूल से बना होता है जिनको मोनोमर्स कहा जाता है. द वर्ड मोनोमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड. ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है. मोनो का मतलब होता है मीनिंग वन एंड मर का मतलब होता है मीनिंग यूनिट. मोनो का मतलब है मीनिंग, मर का मतलब है मीनिंग यूनिट.
सो मोनोमर इज ए सिंपल यूनिट ऑफ ए गिवन केमिकल मॉलिक्यूल। तो मोनोमर को हम कह सकते हैं कि ये एक सिंपल यूनिट है दिए गए केमिकल मॉलिक्यूल की। फॉर एग्जाम्पल द मोनोमर इन द नेचुरल फाइबर कॉटन इज सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो मोनोमर नेचुरल फाइबर कॉटन में सिंपल मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। तो कॉटन सिंपल मॉलिक्यूल है नेचर नेचुरल फाइबर के अंदर। हाउएवर इन ऑल नेचुरल फाइबर्स सभी नेचुरल फाइबर्स में द मोनोमर्स जॉइन इन ए लार्ज नंबर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर। द मोनोमर्स जॉइन इन ए लार्ज नंबर, जब मोनोमर्स को एक लंबे नंबर में जोड़ा जाता है जॉइन किया जाता है टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, लंबी चेन बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स की, इसको पॉलीमर कहा जाता है। जब मोनोमर्स को जॉइन कर करके एक लंबी चेन बनाई जाती है मॉलिक्यूल्स की तो उसको कहते हैं हम पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, ये भी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पॉली का मतलब है मेनी एंड मर का मतलब है मीनिंग यूनिट। तो पॉली का मतलब तो मेनी और मर का मतलब है यूनिट, तो बहुत सारी यूनिट। सो ए पॉलीमर कंटेन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए चेन, लॉन्ग चेन और ए बिगर मॉलिक्यूल। तो पॉलीमर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं सेम तरह के ज्वाइंट, जिनको किया जाता है साथ साथ लंबी चेन बनाने के लिए या बिगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द पॉलीमर ऑफ नेचुरल फाइबर कॉटन इज कॉल्ड सेलुलोज। तो जो पॉलीमर होता है कॉटन नेचुरल फाइबर का उसको सेलुलोज हम कहते हैं। इट इज मेड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये लंबी चेन बनाता है मोनोमर्स ग्लूकोज के मोनोमर्स की। द नेचुरल फाइबर्स और पॉलीमर्स आर प्लास्टिक इन नेचर। तो नेचुरल फाइबर्स या पॉलीमर्स नेचर में प्लास्टिक होते हैं। दे कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स, इनको अलग अलग शेप में हम बना सकते हैं। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच सब्सटेंस कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म्स। तो जिस प्रॉपर्टी के द्वारा सब्सटेंस को मोल्डेड करके वेरियस फॉर्म में चेंज किया जाता है इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो इसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। वेयर इज द सब्सटेंस बाय इट्सेल्फ इज कॉल्ड प्लास्टिक, और जो सब्सटेंस होता है उसको प्लास्टिक कहते हैं। केमिस्ट हैव लर्न टू मेक डुप्लीकेट नेचुरल फाइबर्स। केमिस्ट ये सीख चुके हैं कि डुप्लीकेट नेचुरल फाइबर कैसे बनाते हैं। दे हैव लर्न टू कम्बाइन सिंपल मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स, ये सीख चुके हैं कम्बाइन करना सिंपल मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स को इनटू ए लॉन्ग चेन ऑफ ए बिगर मॉलिक्यूल पॉलीमर। तो उसको लिगर लॉन्ग चेन बनाना जिसको बिगर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। सो एज टू फॉर्म एन आर्टिफिशियल फाइबर, तो आर्टिफिशियल फाइबर की फॉर्म में। दीज आर्टिफिशियल फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स और मेन मेड फाइबर। इन आर्टिफिशियल फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स या मेन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच आर्टिफिशियल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो जिस प्रोसेस के द्वारा फाइबर्स आर्टिफिशियल फाइबर्स सिंपल मॉलिक्यूल्स के द्वारा बनाए जाते हैं उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है। फर्स्ट है मोनोमर, द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इन ए पॉलीमर। जो पॉलीमर में सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम मोनोमर कहते हैं। पॉलीमर द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन, जो प्रोडक्ट बनता है ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से लार्ज नंबर बहुत सारे जो मोनोमर्स बनते हैं कॉम्बिनेशन से एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसे प्रोडक्ट को पॉलीमर हम कहते हैं। प्लास्टिक ए मटेरियल विच कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म्स इज कॉल्ड प्लास्टिक।
एक ऐसा मटेरियल जिसको आसानी से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है उसको प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म्स इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा उसको दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है उसको प्लास्टिसिटी हम कहते हैं।